हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। तो इंश्योरेंस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद बेसिक हमें टॉपिक करना है, बेसिक टर्मिनोलॉजी। देखो, टर्मिनोलॉजी जो है, चाहे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बेसिक पॉइंट, CRR, SLR, इस सब के लिए मैंने नोट्स PPT में नहीं बनाए, क्योंकि ये समझाना है एक्चुअली। चलिए तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हिस्ट्री इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस के बारे में। तो इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, वो करती है कैसे, क्या काम करती है, मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ। वो प्रीमियम लेती है बहुत सारे लोग, मान लो एक लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लेती है, ठीक है, या मान लो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तो प्रीमियम बहुत लो से हुई। मे बी इसमें केस में क्या हुआ, आपसे प्रीमियम तो ली, लेकिन प्रीमियम ली लेकिन आपका हेल्थ खराब ही नहीं हुआ, तो आपका पैसा गया कहाँ, आपका पैसा किसी और लोग में लग गया। क्योंकि वो प्रीमियम, देखो प्रीमियम बहुत छोटा सा अमाउंट लेती है, और उसमें इंश्योरेंस आपको काफ़ी ज़्यादा देती है। जैसे प्रीमियम लेती है वो कुछ महीनों, कुछ 100 का महीना, और एक बार 50 लाख, इतना का आपको हेल्थ इंश्योरेंस देती है। तो इन जिन जिनका पैसा, तबीयत एक बार ख़राब हुआ ही नहीं, उनका पैसा भी क्या इनके में लग जाता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे करती है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस वर्ड मेंशन बहुत जगह पहले भी, इवन आप मनुस्मृति की किताब देखोगे, और याज्ञवल्क्या जो कि यज्ञवल्क्या जो कि धर्मशास्त्र की किताब है, उसके बाद अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य किताब है, इन सब जगह, सॉरी धर्मशास्त्र जो कि किताब है याज्ञवल्क्या की, इन सब जगह बातें होती है किसकी, इंश्योरेंस की, ठीक है ना। इंश्योरेंस कि कैसे रिसोर्स को ध्यान देना। इंश्योरेंस में होता क्या है कि आप रिसोर्स को पूल करते हो, जगह जगह से लेते हो कि भाई तू भी ले ले इंश्योरेंस, तू भी इंश्योरेंस ले ले, और लेकिन आप पैसा देते हो किनको, देते हो उनको जिनको एक्चुअली ज़रूरत होती है। जैसे कहीं पे डेथ हो गया, तो गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, टैक्स लेती है और देती सिर्फ उसको है जिसको ज़रूरत होती है। तो सेम ऐसे ही कंपनी कर रहा है। जैसे यहाँ पे भी बात चलिए कि रिसोर्स को पूल करते हैं और उसका रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फायर के समय, फ्लड के समय, एपिडेमिक्स के समय और फेमाइन के समय, इन सब जगह बात की जाती है। 1818 ईस्वी में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में आया, और ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाया कलकत्ता में। ये सबसे पहली बार अगर आपसे पूछा जाएगा तो आया 1818 में। पहली बार किसी स्टैचुटरी मीजर उठाया गया, स्टैचुटरी मीजर कि भाई कोई कानून बना देते हैं ताकि हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट तो किया जा सके, तो इसलिए इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट बनाया जा सके। ऐसा नहीं कि आपसे प्रीमियम लेने के समय ले लेता है और आपका तबीयत खराब हुआ तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे ही नहीं रहा है, तो इसको रेगुलेट करना चाहिए ना कोई, तो रेगुलेशन करने के लिए, क्लियर। उसके बाद 1956 में एक ऑर्डिनेंस लाया गया जिसके थ्रू लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज किया गया, और उसके बाद ही LIC आया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए कुछ और बात करते हैं। देखो दो टाइप का इंश्योरेंस होता है, एक तो होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। कोई दिक्कत नहीं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। चलिए तो यहाँ पे देखिए, तो आप बताइए जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कब आया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन तो आप 1956 में आया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कब आया था, 1972 में एक जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइजेशन के लिए एक्ट बना, और ये इफेक्ट कब से हुआ, 1973 से। बहुत सारे इसमें कंपनी हैं, मतलब उस समय क्या हुआ, बहुत सारे जो जनरल इंश्योर थे ना, मतलब बहुत सारे कंपनी, वो चार कंपनी में बट गई। एक है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये सब चार में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद 1993 में, समझ में आया ना कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कब बना, 1956 में। अब होता क्या, क्योंकि दो टाइप के इंश्योरेंस है हमें पता है, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस को के रेगुलेशन के लिए यहाँ तक अभी तक कानून नहीं बना है, यहाँ पे तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जो करती थी, इंश्योरेंस देती थी, उसको नेशनलाइजेशन करने के लिए 1972 में एक एक्ट बना है। तो जो 107 छोटे छोटे थे ना, उस सब को चार कंपनी में बांट दिया गया है, कि 107ों को चार, मतलब किसी को 50 दे दिए, किसी को 40, ऐसे करके नहीं होते हैं, ठीक है। 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी का एस्टैब्लिश किया जिसका नाम था RN मल्होत्रा। ये RBI के फॉर्मर गवर्नर थे। इनका काम था कि अब बताइए सर कि इंश्योरेंस सेक्टर में क्या रिकमेंडेशन लाया जाए,
क्लियर। और इस कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद 1999 में एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को कंस्टिट्यूट किया गया, एक ऑटोनोमस बॉडी है ताकि रेगुलेट किया जा सके इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। समझ में आया? तो आपसे सिंपल पूछा जा सकता है, IRDA जो बना, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे? तो RN मल्होत्रा कमिटी के रिकमेंडेशन में। कब बना? 1999 में बना, क्लियर। और बाद में इसको स्टैचुटरी बॉडी का दर्जा मिल गया, कब? 2000 में। की ऑब्जेक्टिव क्या है? कि कंपटीशन को प्रमोट करना ताकि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो सके। ताकि मान लो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है, तो कंज्यूमर दे सकता है ना, यार यहाँ पे प्रीमियम कम लग रहा है और हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। समझ में आया ना? नेक्स्ट, इंश्योरेंस सेक्टर के बैकग्राउंड हमें ये सब पता है, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों हमने किया। जनरल इंश्योरेंस कंपनी 1972 में, ये सब ये बस समराइज किया हुआ है। 1999 में IRDA बना, और 2000 में क्या हुआ, प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर दोनों आ सकते थे इंश्योरेंस कंपनी में, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप को इंक्रीज कर दिया गया 2015 में, पहले 26% ही था, अब 49% हो गया, क्लियर। और इसमें क्या किया गया, रिसेंट नोटिफिकेशन में 2019 में 100% FDI कर दिया गया। समझ में? तो चलो, इतना हमारा इंश्योरेंस वाला क्लियर हो गया। अब थोड़ा IRDA के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक रेगुलेटरी बॉडी है, और एम क्या है कि प्रोटेक्ट कर सके इंश्योरेंस कस्टमर को, कस्टमर हम लोग को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है ना, और रेगुलेट कर सके इंडस्ट्री की, और मॉनिटर कर सके कि जो भी एक्टिविटी करते हैं वो एक्टिविटी सही है कि नहीं, या कोई ऐसा एक्टिविटी कर लेते हैं जिससे उन कंपनी से हमें कंपटीशन वायलेट होता है, ऐसी ऐसी बातें। चलिए अब हम ध्यान से डिस्कस कर लेते एक एक करके रेट। एक सेकेंड, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, देखो चार पांच रेट करना है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं CRR, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। CRR क्या होता है, नॉर्मली एग्जांपल दे तो देखो, यह है बैंक, ये है हम लोग डिपॉजिट जो करते हैं, जो भी डिपॉजिट करते हैं बैंक के ऊपर लायबिलिटी होती है ना, जो भी डिपॉजिट होती है, ये जो हम पैसा देते हैं वो बैंक पे लायबिलिटी होती है, दायित्व बनता है बैंक को कि बैंक को चुकाना है। दूसरा क्या होता है, बैंक इधर लोन प्रोवाइड करता है, ये बैंक का एसेट है। समझ में आया ना? अब देखो सिंपल, ये है डिपॉजिट, अगर हम लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक पे, ये बैंक के लिए लायबिलिटी का काम करता है। तो डिपॉजिट दो टाइप का हो सकता है, एक तो होता है डिमांड लायबिलिटी, जैसे मान लो हमारा एक करेंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, हम जब मन करता है हम डालते हैं, जब मन करता है निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं हमारे डिमांड पे डिपेंड करता है, डिमांड लायबिलिटी। एक होता है हम जब फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइम लायबिलिटी, फिक्स्ड डिपॉजिट करता है टाइम लायबिलिटी। फिक्स्ड डिपॉजिट इसमें आ जाएगा, रिकरिंग डिपॉजिट इसमें आ जाएगा, कैश सर्टिफिकेट इसमें आ जाता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट इसमें आ जाता है, सब कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो सिंपल समझो, तो बैंक के पास कितना आया, डिमांड लायबिलिटी आया और टाइम लायबिलिटी आएगा, तो पैसा यहाँ पे तो टोटल करेंगे, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, 50 रुपया इसका, 50 रुपया इसका, तो टोटल कितना हुआ, 100 रुपीज़ हुआ, 50 रुपया इधर से आया, 50 रुपया इधर से आया, तो बैंक के पास आ गया टोटल 100 रुपये। अब बैंक तो खुश गए, यार 100 का 100 हम लगा देंगे बिजनेस में, पैसा खूब कमाएंगे, मौज मस्ती ही मस्ती होगी। अब बैंक को ये समझ नहीं आता है, अब RBI यहाँ पे चुप थोड़ी रहेगा, RBI चुपके से बैंक को करता है, भाई तुम पूरा बिजनेस में लगा देगा और दिवालिया हो गया तो जो इंसान तुम्हारे में पैसे भरा है उसका क्या? तो बैंक बोलता है हाँ ये तो सही बात है, कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। तो RBI सिंपल बोलता है कि तुम कुछ परसेंट मेरे पास रख दो, मतलब कुछ परसेंट कितना है मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कुछ परसेंट वो है, कितना है वो कुछ परसेंट मैं आपको अभी दिखाता हूँ, RBI के वेबसाइट पे जाओगे तो सारा डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे RBI के वेबसाइट पे जाते हैं तो वो कुछ परसेंट है कितना मैं आपको दिखाता हूँ, वो कुछ परसेंट है 3%, यहाँ पे दिखा आपको, तो दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, CRR और SLR, एक 3% एक 18%, ये क्या है अब समझते हैं। इतना आपने देखा ना, CRR कितना परसेंट है, 3%, SLR है 18%,
मैं इसीलिए आपको दिखा दिया हूँ। CRR है 3%, SLR है 18%। अब देखो क्या आपको समझना है, ध्यान से देखना। बैंक बोलेगा सर ये तो जरूरी है, क्योंकि अगर हम सारा लोन दिए और लोन यहाँ पे सारा का सारा माल्या निकला नीरव मोदी लिखना, तो पैसा हमारे पास आएगा ही नहीं वापस। इसका मतलब कुछ पैसा हमारे पास, कुछ पैसा हम क्या करते हैं, बैंक बोलता है कुछ, RBI बोलता है कुछ पैसा तुम मेरे पास रख देना ना, ऐसा पैसा रख देगा कि तुम्हें अगर कोई दिवालिया हो गया, ऐसा नीरव मोदी जैसा कस्टमर तुमको मिल गया या विजय माल्या जैसा कस्टमर मिल गया, तो हमारे पास रहेगा ना कि कुछ लोगों को थोड़ा ध्यान दे सके। अगर तुम दिवालिया हो गया तो हम लोगों को ख्याल रख सकते ना। तो RBI बोलता है कि जितना भी नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, जितना भी पैसा आता है, जितना भी पैसा आता है 100 रुपये का 3 रुपया मेरे पास कैश रख दो, प्लीज़ प्लीज़ कैश, इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ कैश। ऐसा नहीं बोलेगा बैंक कि सर हम आपको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी रख देते, नहीं गवर्नमेंट की सिक्योरिटी नहीं, सिर्फ तुम मुझे कैश दो। अब बोलोगे SLR का है, देखो अब 3% से तो कुछ होना जाने वाला है नहीं, 3% तो बस नाम नाम के हैं, 100 रुपये के 3 रुपये। बैंक पे एक और प्रॉब्लम है, बैंक को बोला जाता है एक और चीज़ दायित्व, तो बैंक पे होता है, बैंक अपना ये तो पैसा 3 रुपया RBI को दे दिया, RBI के खाते में चल गया, इस पे इसको कुछ नहीं मिलना है। अब देखो अब इसमें से अभी 3 रुपये 97 बचा, अब इस 97 में से 18% बैंक को अपने पास रखना होगा। तो क्या ये भी कैश में रखना होगा? नहीं भाई, सिर्फ कैश में नहीं, कैश में रखना होगा, गोल्ड में रखना होगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तीनों में से किसी में भी रख सकती है, तीनों मिला के रखना होता है, कुछ कुछ परसेंट तीनों में से रखेगी, मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कि इसमें से कितना परसेंट, इसमें तीनों में से कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो टोटल SLR कितना है? 18% है। कोई दिक्कत है तो बताइए। CRR और कैश रिजर्व रेशियो और SLR, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, तीनों हमें दोनों क्लियर हुआ कि नहीं, दोनों इन्फॉर्मेशन CRR और SLR, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताइए इंडिया में डिमांड लाइबिलिटी ज़्यादा लोग पे करते हैं, भरते हैं या टाइम लाइबिलिटी? भाई टाइम काफ़ी ज़्यादा है, टाइम लाइबिलिटी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये हो गया, हम आगे डिस्कस करते हैं। अब क्या हमारा टॉपिक है डिस्कस करना? हाँ, अब हम पहले दो टॉपिक कर लेते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता क्या है, सिंपल समझो। बैंक को चाहिए, जैसे ये बैंक है, ये है RBI, बैंक बोलता है RBI को कि सर हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, हमें पैसे दे दीजिए ना। तो RBI बोलता है कि हाँ हम तुमको पैसे दे देंगे, लेकिन तुम्हें कोलैटरल रखना होगा। कोलैटरल क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखनी होगी, तुम्हें कोलैटरल रखना होगा, कोलैटरल का मतलब तुम्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखनी होगी, समझ में आया? बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा, RBI क्या देगा? कैश देगा, सिंपल है, कैश देगा। आप बोलोगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी लौटाएगा कब? जब RBI के पास, RBI को जब ये बैंक कैश के साथ साथ कुछ इंटरेस्ट देगा ना, जिसको हम बोलते हैं रेपो रेट, वो जब लौटाएगा तब RBI इसको इसका वाला कोलेट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लौटा देगा, समझ में आया ना। बैंक को चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए पैसा, ध्यान देना, मैं आपको एक बार ये सोचें, बैंक को चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसा, डेली के खर्चे के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसा चाहिए। अब RBI के पास जाता है, RBI ऐसा थोड़ी RBI का बेटा है कि सिंपल आया लो जो पैसा ले जाओ, नहीं, तुमको कुछ गिरवी रखनी होगी भाई, गिरवी रखोगे जिसको हम बोलते हैं कोलैटरल। कोलैटरल में क्या रखेंगे? क्या बैंक अपना कोई पेपर रख देगा? नहीं भाई, तुम्हारे बैंक के पेपर का कोई वैल्यू नहीं है, गवर्नमेंट के सिक्योरिटी वैलिड है। ऐसा नहीं कि बैंक का कर्मचारी अपना सिग्नेचर करके लिख के दे देगा, नहीं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, जितना कैश देगा उतना गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, उतने अमाउंट का इसको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब लौटाएगा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी। अब देखो बैंक दिया इसको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, और ये क्या किया, इसको कैश दिया, लौटाएगा बैंक इसको, जब लौटाने जाएगा इसका गवर्नमेंट सिक्योरिटी,
जैसे सॉरी बैंक जैसे जब इसका कैश लौटाएगा दोबारा, कैश के पास प्लस रेपो रेट, कैश प्लस कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई इसको लौटा देगा। अब आप बोलोगे क्या भैया गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये इसमें से चुरा ले सकते थोड़ा बहुत रेपो इसमें एसएलआर में से? बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी नहीं। एसएलआर के अलावे आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो यूज करो, नहीं तो जाओ बाहर में। हाँ तब कोई दूसरा तरीका है, लेकिन एसएलआर का जीसेक आप यूज नहीं कर सकते। अब देखो रेपो रेट हम क्लियर समझे ना, सिंपल समझो, बैंक को पैसे की जरूरत है, आरबीआई के पास गया कि भाई भाई मुझे पैसे दे दो ना, तो बोलते हाँ आए हो, तुम्हारे पास गिरवी है, कुछ कोलैटरल है, ऐसा नहीं कि अपना बैंक का कर्मचारी बोलेगा हमारे घर का पेपर ले लीजिए, नहीं, तुम्हारे पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है तो तुम आओ, तुम कोलैटरल रखो, और जब लौटाने का वक्त आएगा तो तुम हम तुमको लौटा देंगे, मतलब जब तुमको लौटाने का वक्त आएगा, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तो तुम पैसे दे दियो और जीसेक ले जाइयो। अब दूसरा होता है, दूसरा केस है, ये तो बैंक का केस हो गया कि बैंक को पैसे चाहिए, कमी है, कमी। अब बैंक सोचेगा कि यार मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा ही पैसा है, क्योंकि बैंक को लग रहा है कि पैसा ही पैसा है, मतलब बैंक को कोई कस्टमर नहीं मिला है, तो बैंक अपना पैसा कस्टमर नहीं मिला है लोन लेने के लिए, तो बैंक क्या अपने दर अपने अपने पास पैसे रखने से बैंक को कोई इंटरेस्ट मिल रहा है अपने अपने काउंटर में? नहीं। बैंक फिर क्या करेगा, आरबीआई के पास जाएगा कि सर हमसे पैसे रख लीजिए, मेरा पैसा आप ले लीजिए, ठीक है ना, मेरा पैसा आप ले लीजिए, ठीक है ना। तो अगर बैंक यहाँ पे पैसा मांगने गया था और यहाँ पे बैंक पैसे देगा आरबीआई को, तो आरबीआई इस पे कुछ इंटरेस्ट देगा बैंक को, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है ना, इस पैसे पे इंटरेस्ट मिल गए, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है, बैंक को टैक्स देना पड़ता था टैक्स, लेकिन इस केस में आरबीआई देगा बैंक को, आरबीआई देगा बैंक को, क्यों, क्योंकि पैसा जिसका पास जिसका पैसा है उसी को तो टैक्स मिलेगा ना, इस बार पैसा बैंक दे रहा है आरबीआई को, कोलैटरल इस केस में भी रखा जाएगा, इसको इसमें आरबीआई कोलैटरल देगा बैंक को, आरबीआई देगा कोलैटरल बैंक को, आरबीआई देगा कोलैटरल बैंक को, सिंपल, दोनों समझो ना, सिंपल समझो, बैंक है, बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा आया तो आरबीआई को दे देगा, बैंक को पैसा पैसा एक्स्ट्रा है तो बैंक को दे, जैसे एक्स्ट्रा पैसा है तो आरबीआई को देगा, आरबीआई इसको रिवर्स रेपो रेट में कुछ ब्याज देगा, ब्याज, बैंक को पैसे की कमी है, आरबीआई से पैसा मांगेगा, ठीक है ना, आरबीआई से पैसा मांगेगा तो आरबीआई का पैसा भाई, आरबीआई को फिर आप दोगे ना ब्याज, तो इसको बोलते हैं रेपो रेट। रेपो कौन देता है, बैंक देता है आरबीआई को, रिवर्स कौन देता है, आरबीआई देता है बैंक को, कोलैटरल दोनों केस में चाहिए, कोलैटरल दोनों केस में चाहिए। अगर आरबीआई, जैसे मान लो आरबीआई पैसा दे रहा है बैंक को, तो बैंक देगा कोलैटरल, सिंपल समझो, आरबीआई पैसा देगा, देखा पैसा और कोलैटरल दोनों रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, लेकिन दूसरे केस में बैंक अगर आरबीआई को पैसा दे रहा है जमा करने के लिए, तो इस केस में कोलैटरल आरबीआई देगा बैंक को, तो ये क्या है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो दोनों का रेट देख लेते हैं कितना कितना है, देखो दिखा आप लोग को, रेपो रेट कितना है 4%, रिवर्स रेपो रेट देखो पहले क्या होता है, हमेशा 1% का गैप होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, देखो रेपो रेट कितना है 4% है। तो रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, ये रेपो रेट तब यूज किया जाता है जब जब बैंक को डेली यूज के लिए कुछ कुछ पैसे चाहिए था ना, डेली बेसिस पे कुछ कुछ खर्चे चाहिए था, तब वो यूज तब वो इसको रेपो रेट को यूज करता है। रेपो रेट में कोलैटरल जरूरी है भाई, कोलैटरल जरूरी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आपको एक चीज यहां पे दो और चीज दिख रहा है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट, दोनों 4.25% है, समझ में आया ना। अब इसका क्या मतलब है ये दोनों समझ लेते हैं, एक केस हम देख लेते हैं, मान लो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में हमने क्या देखा था, बैंक देता है आरबीआई को क्या देता है, जैसे यहां पे हमने देखा था, जैसे यहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बैंक देता है जैसे मान लो यहाँ पे हमने देखा था, बैंक के पास बैंक को पैसे की कमी है, तो बैंक के पास पैसे की कमी है तो बैंक जाए आरबीआई के पास पैसा लाने, सिंपल समझो, बैंक के पास पैसे की कमी है तो बैंक गया आरबीआई के पास पैसे लाने, पैसे चाहिए, तो आरबीआई मांगता है भाई
पैसे तो हम दे देंगे तुमको, पैसे हम दे देंगे क्योंकि तुम पैसे मांग रहे हो तो हम पैसे दे देंगे, लेकिन तुम उधर से कोलैटरल तो फ्लो करो, जीसेक तो दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो दो। बैंक हाथ करा दे कर देता है, भाई सर हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी नहीं है, ये तो कुछ गलत हो रहा है, इसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं, फिर कैसे दे कैसे दे कैसे दे कैसे दे, बताइए। अब इस केस में ध्यान देना, ये भी को क्या होता है, ये भी ओवरनाइट के लिए, ऐसा नहीं ओवरनाइट के लिए होता है, कुछ एक दिन वगैरह वगैरह के लिए होता है। तो बैंक बोलता, आरबीआई इसको बोलता है कि चलो तुम्हारे पास कोलेट्रल नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास एसएलआर का कोलेट्रल तो है ना, भाई 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 भाई, भाई क्या क्या एसएलआर का कोलेट्रल तो है ना, इसमें से ही कुछ ला के मुझे दे दो, इसमें से ही, ऐसा नहीं कि पूरा, इसमें से भी कुछ ला के दे दो और हम इसमें से कुछ ला के देंगे, सिक्योरिटी तो हमें चाहिए भाई, इसमें से कुछ ला के दे दो, लेकिन तुम इसमें से ला के दे रहे हो तो आम आदमी के फ्यूचर पे कंप्रोमाइज कर रहे हो ना, आम आदमी के फ्यूचर पे, क्योंकि आम आदमी दिवाली, आम आदमी आपका बैंक दिवाली हो सका तो आम आदमी के तो गया, तो आम आदमी के फ्यूचर से कॉम्प्रोमाइज करे तो तुम्हें ज़्यादा टैक्स लगेगा, ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो यहीं पे ज़्यादा टैक्स लग रहा ना। वैसे रेपो रेट देखो, रेपो रेट तो 4% लग रहा था, लेकिन देखो यहाँ पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25% लग रहा ना, भाई आप कुछ रिस्क लोगे, आप एसएलआर से कोलेट्रल दे रहे हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, यही है 4.2%। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक बारी और रिवाइज कर लें, देखो रेपो रेट मतलब शॉर्ट टर्म में लोन चाहिए लेकिन कोलैटरल है, रिवर्स रेपो रेट का मतलब आरबीआई में जाके आप पैसा जमा कर दे रहे हो, बस आरबीआई में आप जाके पैसा जमा कर दे रहे हो तो आरबीआई आपको रिवर्स रेपो रेट पे ब्याज दे रहा है, और कोलेट्रल दोनों केस में आती है। एमएसएफ में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में आपका कोलेट्रल खत्म, तो आप एसएलआर से कोलेट्रल उठा के दे रहे हो। नेक्स्ट बैंक रेट, बैंक रेट को हम पॉलिसी रेट भी बोलते हैं और इवन टर्म रेट भी बोलते हैं, टर्म रेट भी बोलते हैं, इवन पीनल रेट भी बोलते हैं। ये अभी देखा ना, ये अलाइन होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से, मार्जिनल एमएसएफ से अलाइन था ना, 4.25% ये भी था ना। एक्चुअली इसका क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई लोन देता है, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म के लिए अगर लोन की ज़रूरत होती है तब इस रेट पे मिलता है, ये थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म पे लोन ले रहे हो। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मैं एक बार देख ले रहा हूँ और क्या क्या दिया है। बैंक रेट एक टूल है और हाँ एक और है, एक और चीज है बेस रेट, देखो खुद समझो, अगर खुद समझो एक बैंक रेट अगर बढ़ा, बैंक रेट यानी आरबीआई महंगा लोन दे रहा है बैंक को, महंगा तो आप बैंक सस्ता को, बैंक हम लोग को सस्ता तो देगा नहीं, तो जितना महंगा होगा ना रेपो रेट, या जितना महंगा होगा बैंक रेट, या जितना होगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, हम लोगों को लोन लेना, आम आदमी को लोन लेना उतना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि आरबीआई डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है कि आम इंसान लोन ले या ना ले, तो यानी आरबीआई को जब मन करेगा कि हम लोग लोन ना ले तो आरबीआई वो सब महंगा कर देगा। आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई का जब मन करेगा कि ये लोन दुनिया देश भर में सब लोग लोन ले तो आरबीआई वो सब सस्ता कर देगा, जैसे वो सब सस्ता करेगा बैंक सस्ता लोन देगा, सस्ता लोन देगा तो हम सबको मिलेगा। समझ में आया ना, बेसिक पॉइंट एक पता है क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट जैसे 4.25% है, जब इसका इंटरेस्ट रेट हम बोलेंगे 4.50 हो जाना, तो इसका मतलब है 25, इसका मतलब 25 बेसिक पॉइंट बढ़ा, 25 बेसिक पॉइंट, 1% का मतलब है 100 बेसिक पॉइंट, तो 0.25 का मतलब होगा 25 बेसिक पॉइंट, ये इसका यही मतलब है। CRR SLR समझे, CRR समझ गए ना, CRR का मतलब है कि बैंक के पास ज़्यादा पैसा रखना है, अगर CRR बहुत ज़्यादा बढ़ गया, CRR बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो बैंक सारा पैसा अपने में रखेगा, लोन देगा ही नहीं लोगों को, तो कुछ ही पैसा उसके पास बचा, कम पैसा बचा, यानी लोगों में खुद सोचो बहुत लोग आ गए हैं लोन लेने के लिए लेकिन बैंक के पास बहुत कम रुपया बचा है, तो बैंक क्या करेगा, बहुत महंगा लोन देगा। तो समझ में आया ना, समझ में आया ना
कि ये सब कुछ बढ़ा, CRR SLR जितना बढ़ेगा ना, आम आदमी को लोन मिलना उतना मुश्किल हो जाएगा और उतना महंगा हो जाएगा लोन। समझ में आना, सब कुछ के लिए वही केस है। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। निफ्ट क्या है? निफ्ट निफ्ट NEFT, इसको बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंटली RTGS है, मैं आपको बताता हूँ। ये डायरेक्टली, जैसे मान लो आपके अकाउंट से भेजना है, SBI से भेजना है कोई सेंट्रल बैंक में, तो ये डायरेक्टली नहीं, ये RBI के थ्रू जाती है। पहले RBI के पास जाएगी, इसके बाद यहाँ जाएगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। क्लियर? यहाँ पर आप छोटा सा छोटा अमाउंट भी ट्रांसफ़र करते हैं, इवन अ रुपीज। ठीक है ना, नेक्स्ट है RTGS में क्या होता है, ये रियल टाइम पे होता है, रियल टाइम में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है ना, रियल टाइम में, और पेमेंट ट्रांजेक्शन ये वेटिंग पीरियड पे नहीं होता है। और मिनिमम कितना होता है इसका? 2 लाख, मैक्सिमम होता है, कोई अपर लिमिट नहीं होती। समझ में? उसके बाद लिक्विडेटेड एडजस्टमेंट फैसिलिटी हमने देख लिया, इसी के अंदर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इसी के अंदर आता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हमने देख लिया है। नेक्स्ट एक आता है नोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है कि अगर कोई अकाउंट है बाहर देश में कोई SBI बैंक है, वो है अमेरिका में, और अमेरिका में वो अकाउंट को मेंटेन करती है, इसको बोलते हैं नोस्ट्रो अकाउंट। मतलब कि इंडियन बैंक फॉरेन कंट्रीज के अकाउंट को मेंटेन कर रही है। बोस्ट्रो का मतलब क्या होगा? कोई फॉरेन बैंक है और इंडिया के अकाउंट को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? CRAR। खुद सोचो CRAR का मतलब होता है जैसे आपके पास कितना सारा कैपिटल है। देखो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट, मतलब आपके पास टोटल कैपिटल है 100 रुपीज, इसमें से 12 रुपये ऐसा है जो आपको बिल्कुल रिस्की है कि पता नहीं आएगा या ना आएगा। तो जो भी आपका रिस्की होता है ना, उसका ब्याज भी आप सोचते हो इन बाकी 88 लोगों से लिया जाए, 88% वाले लोगों से। समझ में आया ना, क्योंकि ये किसी टाइप का रिस्क हो सकता है, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। आपको पता है कि 100 रुपये में से हम 20 रुपया तो ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिससे पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, इसी को बोलते हैं टोटल कैपिटल का रिस्क वेटेड एसेट। रिस्क वेटेड एसेट मतलब यहाँ पे रिस्क है भाई। स्पेशल ड्रॉइंग राइट होती है, एक्चुअली IMF की करेंसी होती है, ये ध्यान रखना है, IMF की करेंसी। ठीक है ना, 1967 में बनाया गया था। ठीक है ना, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड दो टाइप का होता है, जैसे बॉन्ड दो टाइप का होता है। एक तो होता है, सिंपल समझो, जैसे मान लो आप किसी से सॉरी देखो बॉन्ड का मतलब होता है आप किसी को सिंपल समझो, आप हो इंसान, ये है कंपनी, ये आपको कंपनी आपको पैसे दे रही है, सॉरी आप एक बारी और ये है कोई कंपनी, ये हो आप, कंपनी को आप पैसा लगाते हो, कंपनी में पैसा लगाए 100 रुपया, तो कंपनी आपको देती है बॉन्ड, एक बॉन्ड जिस पे लिखा होता है 100 रुपीज। दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक तो सिंपल बोलती है कि 100 रुपीज है, आपको इस पे 5% इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, तो आप एक साल बाद लौटाने जाते हो तो कंपनी सीधे आपको 105 रुपये दे देते हैं। सेकेंड में क्या होगा? सेकेंड एक और टाइप का होता है, इस पे हम क्या होता है इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट। ठीक है, एक और टाइप का होता है जिसमें कंपनी सीधा उस पे लिखा होता है, कंपनी के बॉन्ड पे ही आप देते हो 100 रुपया और उस बॉन्ड पे लिखा होता है 110 रुपया, और इस पे लिखा होता है कि 2 साल बाद आपको लौटाना है, तो जैसे ही 2 साल बाद लौटाने जाते हो 110, चाहे कैसे कोई भी रेट का फर्क ही नहीं पता, आपको 110 रुपया लिखा है। ठीक है ना, दो टाइप का बॉन्ड होता है। उसके बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब होता है एक ऐसा एसेट, जैसे मान लो किसी को बैंक ने उधार दिया, लेकिन 90 दिन तक कोई वहाँ से ना वहाँ से प्रिंसिपल लौटा उस इंसान की तरफ से, ना इंटरेस्ट लौटा है, तो इस ऐसे एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। ठीक है ना, करेंसी एंड क्वाइनेज के लिए कंपनी है जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान देना, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो कंपनी है
ये एकमात्र ऐसा पीएसयू है, किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री डिप सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, क्योंकि आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में चार पांच डिपार्टमेंट है, तो उसमें एक आती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, क्लियर। और ये बना है चार, जो सॉरी जो नाइन टोटल कंपनी थी ना उसको कॉरपोरेट करके बना। नाइन कंपनी में चार जो मिंटिंग करती है क्वाइन को, मिंट करने वाली चार जो है वो प्रेस का काम करती है। और बाद में एक और चीज़ आया जो पेपर मिल थी, वो भी इसी के अंदर आ गया। ये कंपनी को 2006 में इनकॉरपोरेट किया गया था, और ये किस एक्ट में, कंपनीज एक्ट 1956 में, क्वाइन को मिंट करना, सिक्योरिटी पेपर बनाना, प्रिंट प्रिंट करना करेंसी पेपर, बैंक नोट को, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर को, पोस्टेज को, स्टाम्प को, सब इसका काम है, सब भी इसका काम है। इवन ये कंपनी क्या करती है, करेंसी बैंक नोट आरबीआई को भेजती है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर भेजती है गवर्नमेंट को, मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, पोस्टल स्टेशनरी भेजती है, स्टाम्प भेजती है, पासपोर्ट बनाती है, वीज़ा टिकट, बहुत कुछ, ठीक है ना, वीज़ा वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भेजती है, सब कुछ। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है, जो जो इस कंपनी की हम बात करें, सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें दो कंपनी को हिस्सेदारी है 50-50। एक है उसमें भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रम प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रम प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बाद एक और है बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों है, और ये एक्चुअली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है बैंक नोट पेपर मिल के, ठीक है, और यही है दोनों, बस ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। उसके बाद एक और टॉपिक है कैंसिलेशन ऑफ लीगल टेंडर, आप तो वो तो पता ही, 2016 में किसी पर्टिकुलर करेंसी को लीगल टेंडर मानना बंद कर देते हैं, ये बात है, ठीक है, और बस इतना ही है। और कोई भी दिक्कत हो, ध्यान देना, क्योंकि ये तो हमने बस रिकॉर्ड करके अपलोड किया है, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगा हम उसको इसमें रिजॉल्व कर लेंगे, ज़रूर कर लेंगे, और आप जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।